सो गाइस, तो मैं फिलहाल आ गया रूम पे, अब देख सकते हैं। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, एक चाय भी ले लिया। चले चाय पीते हुए चलते हैं रूम। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी मॉर्निंग के जाके 7 बज रहे हैं, चले बाहर निकल गए हैं। बाहर धूपा हो गया है, चले ब्रेकफास्ट करने के लिए वहाँ दुकान पे जाने पड़ता है। और शाम के जो है ना, वो खाना खुद से बनाता हूँ मैं। चले चलते हैं हमें। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं रोड पे भी आ गया हूँ, बस भी जा रहा है, यही बस पे मतलब मैं जाता हूँ फ्राइडे के दिन घूमने। आप लोग देख सकते हैं इसमें आके नाश्ता करने आते हैं, चले नाश्ता कर लेते हैं। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, एक चाय भी ले लिया, चले चाय पीते हुए चलते हैं रूम पर। यहाँ पे इस होटल में यही है कि मतलब 3 रियाल में ब्रेकफास्ट हो जाता है, 2 रियाल में पराठा हो गया, 1 रियाल के चाय हो गया। चाय भी हो गया, चले चलते हैं रूम पर। सो गाइस, तो मैं फिलहाल आ गया रूम पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरा रूम आ गया। उनके पास में ना बिल्ली बहुत रहता है, देखिए देखिए। एक कम और रह गया मुझे, कपड़ा धोना थोड़ा सा। मैं भी लेके आता हूँ कपड़ा। तो गाइस, हमने सर्फ डाल दिया इसमें, अभी देखिए 1 मिनट घूमेगा, उसके बाद एक कपड़ा डाल देंगे। तो घूमने देते हैं, 15 मिनट होगा, उसके बाद जाके फिर सब घूमा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा कपड़ा धुल के रेडी हो चुका है, बस 2 चक्कर पूरा हो गया। चलो अभी इसको कंगारते हैं, पहले वाटर ड्रिंक कर देते हैं, उसके बाद कंगारेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा पानी निकल गया, दोबारा पानी भर के और कम से कम 2 बार कंगारने पड़ेगा अभी इसको। चले पहले पानी भरने देते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं पानी भर गया, तो इसको 5 मिनट के लिए फिर से चालू करते हैं। 5 मिनट के बाद फिर एक बार और संगारेंगे, उसके बाद जाके निकाल देंगे। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा कपड़ा धुल गया है, अब इसको खंगार देते हैं, खंगार के उसके बाद सुखाने के लिए डालते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं इसमें सूखने के लिए डाल दिया, तो उसको बंद करते हैं, उससे डाल के बंद कर देते हैं। चालू करते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमने कपड़ा धो के पसार दिया, ये 5 मिनट में सूख जाएगा। सारा काम तो फाइनल हो गया, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद जाके फिर 1-2 घंटा आराम, 2 घंटा आराम करेंगे, उसके बाद जाके फिर खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, आराम करके उसके बाद फिर उठूंगा, तो क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना अब नींद लग रहा है, सोऊंगा उसके बाद जाके उठूंगा, तो फिर खाना बनाऊंगा। पहले वाले कंपनी में था तो मेरे को ऐसा नहीं था, खाना नहीं बनाने पड़ता था, मगर इसमें है कि खुद से खाना बना, इसमें भी नहीं बनाता था पहले, मगर ये कि आज से बनाने पड़ रहा है मुझे। पहले बनाता था, कोई बनाता था कोई नहीं बनाता, मगर आज से कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। चले कोई बात नहीं, जो भी कुछ करूँगा सब आप लोग को दिखाऊंगा, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे ड्यूटी जाते हैं, सब कुछ दिखा। सो गाइस, बिहारी चिकन बनाने के लिए हमने 250 ग्राम चिकन ले लिया है, और सबसे पहले कि इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हल्दी डालकर और पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद इसको 5 मिनट छोड़ देंगे। 5 मिनट छोड़ने के बाद सो गाइस, हमने लहसुन डाल दिया, और इसको धीरे धीरे भूनेंगे, क्योंकि तेज में करके भूनेंगे तो जल जाएगा। अभी धीरे धीरे करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं उसको।
धीरे धीरे भुन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं प्याज है कि भुंजाया गया है, तो अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, अदरक हो गया और दो मिर्चें, इसको कूट के ही डालना है, ये नहीं कि पीस के डालना है, कूट के ही डालना है इसको। अब इसको चला लेंगे, फिर इसको चला लेंगे थोड़ा सा और इसको अभी फिर से ढक देंगे एकदम लो स्पीड में करके ताकि जले ना ये। सो गाइस, अब मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल दूंगा और थोड़ा सा हो गया मिर्चा पाउडर डाल दूंगा एक चम्मच के करीब में, और थोड़ा सा हो गया धनिया पाउडर हो गया। तो हम चला लेंगे थोड़ा, अब ये मसाला जले ना इसके वजह से थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो 100-150 ग्राम पानी डाल दें, जैसे 1.5 कप हो गया पानी डाल के इसको ढक देंगे, तो बिल्कुल लो स्पीड में ताकि जले ना, बिल्कुल लो में। अभी आप लोग देख सकते हैं तेल कैसे ऊपर आने लग गया। अब प्याज को गलाने के लिए मुझे थोड़ा सा नमक डालना, नमक डाल देते हैं क्या। अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे चिकन मसाला, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी चिकन मसाला डाल सकते हैं, मैं चिकन मसाला डाल दिया थोड़ा। आप लोग देख सकते हैं कैसा हो गया है, अभी इसको फिर 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं प्याज मतलब पूरी तरह से पक चुका है, और फिर भी ये अभी थोड़ा सा और पकेगा, ये साइड से है ना, इसको धीरे धीरे करके डाल देंगे पक सकते हैं ना। तो अब चिकन को डाल देंगे, डाल दिए चिकन को, अब इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से ताकि प्याज तो लमसम बनेगा, चिकन भी बन जाएगा इसके साथ में। सब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि चिकन को गलाने में मदद करेगा वो। इसमें थोड़ा सा जायफल डाल देना चाहिए, थोड़ा सा जायफल डाल दिया और इसको चलाकर फिर जाके ढक देंगे। सो गाइस, 10 मिनट तक है उसको कुछ नहीं करना है, 10 मिनट तक उसको पकने देना है, लहसुन ही पक जाएगी नाले चिकन ही पक जाएगा, मसाला ही पूरा पक जाएगा, और 10 मिनट के बाद उसको खोलना है, तभी उसको पकने देते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हमारा चिकन बन के तैयार हो गया, और इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे इसमें, अब देखिए कितना बेस्ट हमारा चिकन लग रहा है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो गैस, मेरा बिहारी स्टाइल में चिकन जो बनाया वो मेरा पूरा सफल हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए।